तो ठीक 11:06 और 39 सेकंड पर YRF ने पठान मूवी का टीजर आज रिलीज कर दिया और इसके लिए काफी एक्साइटेड था मैं। अब मैं कितना एक्साइटेड हूँ इसका अंदाजा तुम इस बात से भी लगा सकते हो कि खाना छोड़ के तुम्हारा भाई वीडियो बना रहा है। चलो अब अपनी निजी फीलिंग्स को नजरअंदाज करते हुए टीजर पर अपनी नजरें डालती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो टीजर की शुरुआत में दो लोग पठान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो एक मिशन के दौरान पकड़ा गया था और उसे टॉर्चर किया गया था और उसके ठीक बाद हमें अंधेरे और खामोशी के पीछे से SRK की आवाज सुनाई देती है। वो कातिलाना हंसी ओ माय गॉड बस दिल में बस गई यार, मतलब मैं तो पूरा फ्लैट हो गया। और बाद में वो SRK की एक्शन सीन्स कहते ही जहर और शाहरुख खान का लुक तो इतना डैशिंग है कि बहुत बड़ा विस्फोटक होने वाला है, इसका इशारा हमें मिल जाता है। एक्साइटमेंट में मैं तो भूल ही गया कि आज किंग खान का बर्थडे है और फैंस को ये बर्थडे गिफ्ट देकर SRK ने दिल जीत लिया भाई। वैसे सभी को ये अंदाजा हो गया था कि SRK अपने बर्थडे के दिन ये बम फोड़ने वाले है। पठान के साथ SRK 4 साल बाद धमाकेदार एंट्री ले रहे हैं। टीजर में हमें आगे दीपिका भी नजर आती है जिनका लुक भी गजब है और उनकी चाल ढाल देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो भी एक एजेंट का ही किरदार मूवी में करने वाली है। वहीं पे जॉन का भी डैशिंग लुक हमें देखने को मिला, उनके हाथ पर के टैटू बता रहे हैं कि लौंडा शौकीन है। अच्छा शायद वो भी एक एजेंट ही है लेकिन अपोजिट टीम के, क्योंकि पठान और जॉन के बीच कुछ फाइट सीन्स भी टीजर में है। मतलब हो सकता है कि वो ही कहानी के विलन हो या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। लेकिन दोस्तों इतना तो तय है कि कहानी इंटरनेशनल होने वाली है, लोकेशंस को देखकर तो यही लगता है, मगर हाँ कहानी क्या है टीजर को देखकर बिल्कुल पता नहीं चलता। मतलब कि टीजर को अच्छे से काटा गया है, बस टीजर को देखकर यही पता चलता है कि पठान किसी मिशन में पकड़ा गया था जिसके बाद लोगों को शायद ये लगता है कि वो मारा गया है। लेकिन हीरो मरेगा तो कैसे चलेगा दादा, इसीलिए अब वो वापस आकर शायद अपना अधूरा मकसद पूरा करेगा या फिर उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसे फंसाया था। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में बहुत सारा एक्शन होने वाला है क्योंकि टीजर में भी काफी एक्शन सीन्स डाले गए हैं। शाहरुख के सिर्फ 2-3 ही डायलॉग्स टीजर में है पर इतने क्रेजी है कि मजा आ गया और मैं ये मजा हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वैसे एक और बेस्ट चीज मुझे लगी वो है इसका BGM। इसका BGM मतलब बिल्कुल स्पाई वाली फीलिंग्स आती है, जैसे कि एक था टाइगर और वॉर मूवी का BGM था, इसका भी BGM कड़क होने वाला है और तुम्हें इसे देखकर उन फिल्मों की याद भी आ रही होगी। एक था टाइगर, वॉर और पठान तीनों YRF स्पाई यूनिवर्स की ही फिल्में हैं जिसमें हमें रॉ एजेंट्स की फिक्शनल स्टोरीज देखने को मिलने वाली है। लेकिन पठान इसमें नेक्स्ट लेवल का काम करने वाली है क्योंकि SRK का लुक देखकर मुझे बड़े धमाके की फीलिंग आ रही है। वैसे इस यूनिवर्स में आगे 2023 में ही टाइगर 3 भी आने वाली है और वॉर 2 2024-25 में आ सकती है। और दोस्तों पठान में भी सलमान खान का एक कैमियो है ऐसा कहा जा रहा है और शायद टाइगर 3 में भी SRK का कैमियो हो सकता है। मतलब YRF जोश में चल रहा है। वैसे ये साल यशराज फिल्म्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा लेकिन 2023 में ये काफी धमाके कर सकते हैं। तो 25 जनवरी 2023 को पठान मूवी फटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो फिर हम बस इंतजार करते हैं और देखती है कि ये कितने जोर से फटती है। वैसे आदित्य चोपड़ा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म पठान को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 10,000 का टारगेट भी जल्दी से हमें पूरा करना है। और अगर मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो तो ट्विटर का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल बाय बाय, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।